नमस्कार, एनबीसी न्यूज की प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अवसर पर डाक विभाग द्वारा 50 वर्षों में जारी किए गए डाक टिकट एवं डाक लिफाफों को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान जहां डाक विभाग के इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, तो वहीं डाक विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए बुलंदशहर रोड स्थित डिस्ट्रिक्ट डाकघर के निरीक्षक अभय सिंह द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत आज फ्लैटली डे पर प्रधान डाकघर में फ्लैटली एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां उपजिलाधिकारी सदर सत्य प्रकाश द्वारा अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए अवलोकन किया गया। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि इन एग्जीबिशन से लोगों को अपनी पुरानी कल्चर एवं महापुरुषों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस अवसर पर डाक निरीक्षक अभय सिंह के साथ पोस्ट मास्टर अरुण मोहन शकधर ने उपजिलाधिकारी सहित एग्जीबिशन में आए लोगों को डॉक्टरों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। हमारा नेशनल पोस्टल वीक जो है, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, डाक विभाग हमारा मनाता है बड़ी धूमधाम से, तो इसमें आज फ्लैटली डे है और फ्लैटली डे में हमने कोशिश की है कि जनता को रूबरू करा सकें, उनको ये संदेश पहुंचा सकें कि हमारे जो तमाम जितने भी महापुरुष हुए हैं या कोई हमारे कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट होता है तो उसके ऊपर हमारा डाक विभाग जब भी कोई डाक टिकट जारी करता है तो उस डाक टिकट को जारी करने के साथ साथ सेम डे फर्स्ट डे कवर भी जारी करता है, और फर्स्ट डे कवर जो जारी करता है तो उसमें पूरी उसमें जानकारी होती है। तो इससे ये फ़ायदा है कि एक तो हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं तरह तरह की, और फर्स्ट डे कवर बड़े रेयर होते हैं बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में, इसमें जो हमारी जो फ्लैटली की लगती हैं लखनऊ में या अन्य प्रदेशों में, तो उसमें इनका बहुत बहुत योगदान रहता है, और उस योगदान के साथ साथ सर ये फर्स्ट डे वर्क कवर के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती हैं। इसके साथ साथ आज माननीय अध्ययन सर हमारे सत्य प्रकाश जी मजिस्ट्रेट सर जो आए थे सदर के, तो उनको उनके ऊपर भी हमने उनके फोटो पर भी माई स्टैम्प उनका डाक टिकट जारी करके उनको सपने में भेंट किया है, जैसा कि आपने अभी देखा भी था। और हम तो सभी से आप इससे ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग डाक टिकट के साथ साथ हमारे डाक विभाग की जितनी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी और आकर्षक ब्याज वाली जो तमाम स्कीमें हैं उसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आज जो है जो डाक सप्ताह चल रहा है उसी में आज ये उसी के दौरान ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेन मकसद ये है जो हमारा जो इतिहास महत्वपूर्ण जो हमारी हस्तियां हैं उनका है या और जो देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है उनको व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए या लोकल थीम के हिसाब से जो यहाँ पे प्रसिद्ध है उसको और व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए किया जा रहा है। ये व्यक्तिगत रूप से भी कोई अपना फोटो देकर अपना डाक टिकट जारी करा सकता है, ये डाक विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। डाक सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमें आज फ्लैटली डे है, फ्लैटली डे। इस फ्लैटली डे में जो अलग अलग फ्लैटली स्टाम्प्स और कोमेमोरेटिव स्टाम्प्स इशू किए जाते हैं उनको आज हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि सब लोग देख सकें, और जो इवेंट या मॉन्यूमेंट्स या फिर जो महत्वपूर्ण हस्तियाँ रही हैं जिनका योगदान रहा है भारत के निर्माण में और अलग अलग क्षेत्रों में उनके यहाँ पर टिकट लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र में सब्जी की दुकान लगाए दुकानदार को नहीं पता सुबह क्या आफत आएगी। एक अनियंत्रित ट्रक आया, लकड़ी की दुकान को रौंदते चला गया जिसमें दो लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक के पहियों की हवा निकाल दी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एटा रोड मोहिनीपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रक सब्जी विक्रेताओं के ऊपर चढ़ गया। ट्रक ने दुकानों को कुचल दिया जिसमें दो सब्जी विक्रेता अजय कुमार युवक और पोतिमा नामक महिला बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों ही घायलों को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हुआ है ट्रक से सब्जी वालों से, क्या स्थिति है? आज सुबह एक ट्रक से सब्जी के दो लोग, एक अजय है और एक महिला है, इनको मतलब ट्रक से टक्कर लग गई और ये गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनकी भी तहरीर का अंजाम है, तहरीर आएगी। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। इस क्रम में आज एमजी कॉलेज में पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीडीओ नेहा जैन ने सभी को कोविड-19 व चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशिक्षित किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें टुंडला विधानसभा उपचुनाव को लेकर ईवीएम, मॉकपाल आदि के बारे में बताने के साथ ही लिखित व मौखिक दोनों तरह की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही बताया कि कोविड-19 के चलते सभी पोलिंग पार्टियों को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर व फेस शील्ड दी जाएगी। इसके अलावा 150 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 1000 से अधिक वोटर न रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 5 बच्चों की मां बच्चों को लेकर 3 महीनों से गायब है। शाम को जब पति दिवारी लाल ने घर आकर देखा तो न ही पत्नी मिली और न ही बच्चे। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। हल्का इंचार्ज ने दिवारी लाल की नहीं कोई न सुनी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गाँव में दिवारी लाल का हंसता खेलता परिवार था। तिवारी लाल हलवाई का कार्य करता था। 5 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी वो जी रहा था, लेकिन लॉकडाउन में काम नहीं होने पर दूसरे गांव में दुकान पर वह काम करने लगा। दिवारी लाल के साथ उसकी बूढ़ी माँ भी घर पर थी। एक दिन जब वह घर आया तो पत्नी और बच्चे नहीं मिले। रिश्तेदारों में तलाश शुरू कर दी। वहीं थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु गाँव के दबंगों का महिला बच्चों में गायब होने में हाथ है, ऐसा बताया गया। गांव के लोगों ने हल्का इंचार्ज से मिलकर जो दिवारी लाल ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था उसका फर्जी निस्तांतरण शुरू कर दिया। पीड़ित हल्का इंचार्ज के चक्कर लगाता रहा। हल्का इंचार्ज ने उसकी एक ना सुनी। अब पीड़ित को दबंगों से धमकी मिलने लगी है कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया गया है, अगर अब कार्रवाई की तो तुझे भी मार दिया जाएगा। अब पीड़ित परेशान है कि आखिर क्या होगा आगे। घर पर बैठी वृद्ध माँ को अपनी बहू, नाती और नातन को देखने के लिए आंखें तलाश रही हैं, मगर बच्चों का कोई अता पता नहीं। अब देखना यह है कि आखिरकार उस पीड़ित दिवाले लाल को इंसाफ मिलता है या फिर वह वैसे ही भटकता रहता है। दबंग है गांव के, ये हमारे घर वालों को बच्चों को ले गए और गाँव वालों में चर्चा पर मार दिए गए बच्चे सब भी। जो महिला गायब है उसकी तहरीर पर मुकदमा यहाँ थाने में गुमशुदगी में दर्ज किया गया है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी बरामदगी के लिए, और जो भी इसमें नामजद हैं उसको उसके घर पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि वो जो भी नामित है वो आ जाए। मेरी इसमें लगातार SHO सुगाबाद से और जो चौकी इंचार्ज है खालिद उनसे लगातार वार्ता की जा रही है कि इसमें शीघ्र करके महिला की बरामदगी की जाए। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। मैनपुरी का पूरा मामला जनपद मैनपुरी थाने के बरनाल क्षेत्र के ग्राम जैतपुर का है, जहां के रहने वाले नीरज पत्नी प्रेम सिंह पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि बच्चों की लड़ाई को लेकर उसके गांव में सुखबीर जयवीर सिंह पुत्रगढ़ साहब सिंह ने मेरे घर में घुसकर 22 सितंबर को गाली गलौज देते हुए लाठी व डंडों से व सरियों से मारपीट की तथा कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसमें मेरे पति व मेरे मासूम बच्चों को इस तरीके से मारा, उसका हाथ भी तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में जाकर की है, लेकिन पीड़ित परिवार की थाना पुलिस के द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। तब जाकर पीड़ित ने अपनी जान माल का खतरा दिखाते हुए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। NBC न्यूज के लिए मैनपुरी से आसिफ की रिपोर्ट। सोरो शुकर क्षेत्र सोरो उत्तर प्रदेश सरकार समस्त तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल किए जाने को लेकर बीते 15 अगस्त को लगातार जारी आंदोलन शनिवार से आमरण अनशन का रूप धारण कर लिया था। इस क्रम में लगातार आमरण अनशन जारी रहा। मंगलवार को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में SDM ललित कुमार ने तहसीलदार अजय कुमार यादव के साथ पहुंचकर आमरण अनशन कार्यों से बातचीत कर उनको 6 महीने का समय लेकर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तीर्थस्थल बनाए जाने के लिए प्रशासन शासन को कार्यवाही कर भेजा जा सके, सभी आमरण अनशन कार्यों को जूस पिलाकर स्थगित करवा दिया गया। ज्ञापन दिया जिसे पूर्व में भी प्रेषित किया जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान भी लिया है और उनकी ये मांग है कि इसको हम पुनः प्रेषित कर दें तो अपने प्रेषित करके इनको सूचित करें।
कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। ओवरलोड ट्रक की जांच परिवहन विभाग आरटीओ को भारी पड़ी है। ओवरलोड ट्रकों की जांच और चालान कर वापस लौटते समय अज्ञात लोगों ने डंडे और लोहे की रॉड से किया परिवहन विभाग के आरटीओ की गाड़ी पर हमला। आरटीओ के चेहरे में लगी चोट, मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश कर रही है। मिर्जापुर में ओवरलोड ट्रकों को पास कराने वाले माफिया परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी भारी पड़ रहा है। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाने वाले अधिकारी इन माफियाओं के निशाने पर है। बेखौफ ये दबंग माफिया परिवहन विभाग के अधिकारियों पर ही हमला बोल रहे हैं। अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के आमघट का बताया जा रहा है। मिर्जापुर में एआरटीओ रविशंकर शुक्ला ने 22 अक्टूबर को सोमवार की रात पर सड़क किनारे ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। कई ट्रकों का रात में चालान भी काटा गया। कार्रवाई कर बरहुना में खड़े ओवरलोड ट्रक चलाने वालों ने कार्रवाई के विरोध में उनके साथ बहस शुरू कर दी। अरोरा और इमिलिया चट्टी के पास दो गाड़ियों पर कार्रवाई के बाद देर रात जब वह वापस मिर्जापुर लौट रहे थे तभी आमघट रेलवे क्रॉसिंग के पास उन्होंने आपस में डंडे और लोहे के रॉड से लेट्स 6 से 7 लोगों ने एआरटीओ रविकांत शुक्ला की गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। इस दौरान उन्हें भी लोहे के रॉड से मारने की कोशिश की गई। किसी तरह से वह गाड़ी लेकर एआरटीओ और उनके साथ मौजूद लोग भरहुना पुलिस चौकी पर पहुंचे। वहां तैनात सिपाही को अपने साथ हुई घटना से अवगत कराया। पुलिस एआरटीओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। वहीं एआरटीओ का कहना है कि अक्टूबर में भी इसी तरह से हमला किया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में मैं वाहन की चेकिंग करने के लिए निकला था और भरौना चौकी के पास 3 वाहन खड़े थे जिसमें ओवरलोड थे, तो मैंने एक गाड़ी का चालान किया तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और वो इसका विरोध करने लगे कि आप लोकल गाड़ी का चालान कर रहे हैं, आप खड़ी गाड़ी का चालान कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर गाड़ी ओवरलोड है तो खड़ी गाड़ी या लोकल गाड़ी का मतलब नहीं होता है। तो जब वो विरोध करने लगे तो मैं 2 गाड़ियों का चालान करके आगे बढ़ गया और उसके बाद इमिलिया चट्टी से लेकर अहरौरा के मध्य मैंने 3 गाड़ियां ओवरलोड पकड़ी जिनको अहरौरा थाने में बंद किया और 2 गाड़ियां खड़ी थी जिनके ड्राइवर चले गए थे उनका चालान किया। और उसके बाद लौटते समय आमघाट क्रॉसिंग बंद थी, वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, तभी ट्रक के बगल से कुछ 6-7 लोग जो है वो मोटा डंडा और लोहे की रॉड लेके आए और गाड़ी का बहुत तेज गाड़ी में प्रहार किया जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और सामने गाड़ी का शीशा भी प्रहार किया, वो चटक गया और उसी शीशे से उन्होंने लोहे के रॉड भी अंदर मारने का प्रयास किया जिसको मैंने पकड़ लिया था और संभवतः शीशा लगने से मेरे चेहरे पे जो है ब्लड आने लगा था। तो लौटते हुए फिर मैंने भरौना चौकी पे शिवम सिंह सिपाही थे उनसे भी कहा, दिखाया जो उन्होंने फ़ोटो खींची और फिर मैंने चेहरे को साफ वक करके सुबह जो है मैंने बात करके जो है SP सिटी साहब से मिला था, उन्होंने जो है उनके निर्देश पे मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं और मैंने मेडिकल भी कराया है। निश्चित रूप से हमें लगता है जब ओवरलोड की चेकिंग होती है तो जिनके इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं उनका चालान हो जाता है, उनको उनके द्वारा ही ये कार्रवाई की गई। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। NBC न्यूज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला यही रुकने का। ताजा खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।